स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीआर प्रॉब्लम फाइव पॉइंट थ्री है from page number 158. और इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ठीक है कि आपने जो है इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है पी वी इक्वल टू एनआरटी यूज करके ठीक है एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बताना है कि जो डेंसिटी ऑफ ए गैस है वो प्रपोर्शनल आती है गैस प्रेशर पी के ठीक है तो ये बहुत सिंपल uh, वे में हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन जो है वो मेंशन कर लेते हैं तो इक्वेशन क्या है हमारे पास पी वी इक्वल टू एन आर टी राइट अब इसमें हमने प्रेशर वर्सेस डेंसिटी का रिलेशन निकालना है तो डेफिनेटली एक साइड में सिर्फ प्रेशर की नोटेशन जो है वो ही रखूंगी सो आई हैव मैं ये जो वॉल्यूम है इसको डिनोमिनेटर में ले आती हूँ तो ये क्या हो गया P equal to एन आर टी बाई बी राइट अब ये जो n है यहाँ moles है ठीक है तो अब number of moles जो है कैसे mention कर सकते हो Now you can write number of मोल्स ये आप किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो एन के साथ ठीक है ये मास ऑफ जो एक्चुअल मास ऑफ गैस है वो ले रहे हो मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ़ गैस राइट तो मास जो है हम इसको स्मॉल एंड के साथ ले रहे हैं मोलर मास को हम कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो ये जो एम बाय एम हमने निकाला है ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं एन की वैल्यू तो ये हमारे पास क्या आ गया है पी इक्वल टू स्म इन टू आर टी बाय वी राइट अब इसको मैं रीअरेंज करके लिख लू तो ये मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ P इक्वल टू एम ओके आर टी By capital M, अब M by v जो है, हमारे पास डेंसिटी आती है ठीक है मास्यूम तो आप यहां पर लिख सकते हो डेंसिटी इज डिनोटेड बाय डी ओके यू कैन राइट मास ऑफ गैस ओवर वॉल्यूम ऑफ गैस राइट तो ऑबली ये डी जो है ईस की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर सकती हूँ तो ये पी हमारे पास क्या आ गया पी इक्वल टू डी आर टी बाय कैपिटल एम राइट अब इसमें कांस्टेंट देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है ठीक है आर की वैल्यू भी हमारे पास गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है टेम्परेचर जो है वो भी एट अ गिवन टेम्परेचर कह रहे हैं इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है मोलिकुलर मास या मोलर मास जो गैस का है वो भी कांस्टेंट होता है वो भी चेंज नहीं होता है ठीक है तो अगर मैं इन कांस्टेंट्स को हटा देती हूँ तो डेफिनेटली मेरे पास प्रपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा सो तो मैंने ये कांस्टेंट्स जो है इनको इग्नोर कर दिया तो मेरे पास पी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डी आ गई ठीक है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे गैस का तो डेफिनेटली डेंसिटी जो है वो भी गैस की बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो हमारा रिलेशन uh, हमने क्या फाइंड आउट करना था हमने रिलेशन जो है एट ए गिवन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ ए गैस डेंसिटी हमारे पास कौन सी है यहाँ पे डी की बात कर रहे हैं इज प्रपोर्शनल टू गैस प्रेशर पी ठीक है gas pressure अब ये गैस प्रेशर आ रहा है ठीक है तो डेफिनेटली हमने प्रपोर्शनैलिटी जो है वो मैंशन कर दी है सो वी हैव प्रूव्ड दी अबव रिलेशन सो यू कैन राइट हैंड प्रूव्ड that p is directly proportional to b